बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं बच्चों चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन वट इज़ एन एजियोट्रॉप भाई एजियोट्रॉप क्या होता है ठीक है आपने सुना होगा नाम एजियोट्रॉप और अक्सर ये पूछा जाता है अक्सर ठीक है ऐसा क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऐसा क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस दो हजार आठ में पूछा गया था और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि ई जे e के एग्जाम्स में भी कई बार पूछे जाते हैं ठीक है इससे पहले पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के एस एस जी ई हो आर आरबी जे हो अदर एग्जाम स्टेट जेई ई हो ठीक है देखते हैं व्हाट इज एन एज पहला ऑप्शन आपके पास है ए नॉन हेलोजेनिक रेफ्रिजरेट दूसरा ए रेफ्रिजरेंट डिजर्ड इन एल्कोहल तीसरा है ए मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स विदाउट फेस सेपरेशन और चौथा है एन इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट ठीक है तो क्या होता है एजोट्रॉप देखते हैं कुछ लाइन्स आपके लिए लाया हूं ठीक है देखिए क्या कह रहा है एजियोट्रोपिक या एजियोट्रॉप एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट या एजोट्रॉप क्या है इज ए मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस नून टू बॉइल एट सेम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर है लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉयल एट द सेम टेम्परेचर इसका मतलब है कि भैया अगर दो ए और बी दो सब्सटेंस हैं अगर ए और बी दो सब्सटेंस है और इनको एड करके हमने एक मिक्सचर बना दिया तो वो एजोट्रोपिक मिक्सचर तभी कहलाएगा अगर दोनों को के बॉइलिंग पॉइंट्स अगर सेम है ठीक है क्या बोल रहा है बॉयल एट द सेम टेम्परेचर ठीक है आगे बोल रहा है सब्सटेंसेस इन एजोट्रोपिक रेफ्रिजेंट्स कंडेंस एंड एवोपरेट टूगेदर कंड एंड एवोपरेट टूगेदर इसका मतलब है एज वन और एज ए सिंगल एंटिटी इसका मतलब है कि अगर कंडेंस हो रहा है रेफ्रेजेंट या रेफ्रिजरेंट इवोपरेट हो रहा है तो ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग हो रहे हैं नहीं ये एक सिंगल एंटिटी सिंगल एंटिटी के रूप में क्या होगा कंडेंस होगा या इवोपरेट जो भी इसको होना है कंडेंस या इवोपरेट दोनों क्या होगा टुगेदर होगा एक सिंगल एंटिटी के रूप में और इसीलिए क्या है एजोटॉपिक जो मिक्स जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस कहते हैं दीज रेफ्रिजरेंट्स बिहेव्स एज ए प्योर सब्सटेंस ये इंपॉर्टेंट बात है प्योर सब्सटांस के रूप में क्यों बिहेव करते हैं क्यों बिकॉज दे कंडेंसेज एंड इवोपरेट्स एज ए सिंगल एंटिटी दैट्स वाई इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मतलब इसमें कोई भी किसी भी तरह का फेज सेपरेशन नहीं है इन दोनों से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन दोनों स्टेटमेंट से कि देयर इज नो फेज सेपरेशन क्या क्या है एक तो ये सिंगल एंटिटी के रूप में क्या हो रहा है जो भी हो रहा है ठीक है इसका मतलब है इसीलिए ये प्योर सब्सटांस की तरह बिहेव कर रहा है इन दोनों चीज़ों से हम एक क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये क्या है क्या है इसमें फेज सेपरेशन नहीं होगा फेज सेपरेशन क्या लिख सकते हैं विदाउट विदाउट फेज सेपरेशन ठीक है बिना फेज सेपरेशन ऐसा नहीं है कि फेजेस आपके क्या हो रहे हैं सेपरेट हो रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है ठीक है एक सिंगल एंटिटी के रूप में कंडेंस होगा और इवोपोरेट होगा इसीलिए यह प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है और जो रेफ्रिजरेंट होगा वो क्या होगा उसमें क्या है फेज का सेपरेशन नहीं होगा ठीक है इस तरह जो डेजिग्नेशन की अगर हम बात करें तो डेजिग्नेशन जो है आर फाइव से इसकी शुरू होती है बेटा एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होते हैं इनका डेजिग्नेशन आर फाइव से शुरू होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आर फाइव ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ठीक है तो चलिए क्या ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ए मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स विदाउट फेज़ सेपरेशन क्लियर है विदाउट फेज सेपरेशन मतलब इसके फेजेस जो है ड्यूरिंग द बॉइलिंग ड्यूरिंग द कंडेंसेशन फेज जो है सेपरेट नहीं होंगे एक सिंगल एंटिटी के रूप में ये कंडेंस होगा एंड इवोबरेट होगा और इसीलिए इसको एजोट्रोपिक मिक्सचर को एज ए प्योर सब्सटेंस हम लेते हैं क्लियर है तो आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए मैं आशा करता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा एजोक्ट्रोपिक मिक्सचर का ठीक है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप बहुत ही बेहतरीन अपनी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स एग 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 की तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन आपको कंटेंट मिलने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट कंटेंट मिलेगा जिसके थ्रू आप जो है बहुत ही बढ़िया से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को एक अलग एज दे सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो